नाज़रीन आदाब नमस्कार, सियासी तकदीर में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक बार फिर से टीम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 141 और 140 से मुंसलिक इलाका बागदीपाड़ा कंचन तल्ला अयूब नगर की ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मुकम्मल गाड़ी भर के खाने का सामान जरूरतमंदों में इज्जत टीम मीडिया मोहम्मद अशफाक मोहम्मद अशफाक कहाँ पे रहते हैं? थोड़ा में रहते हैं बाएं में। ठीक है, तो परेशानी क्या है यहाँ के लोगों को? अच्छा, बस्ती डूब गई थी, इस वक्त क्या हालात? तो समझ जाइए कि बस्ती के लोग जो हैं, जैसे छुटका भाई हैं और अमानुल्ला भाई हैं और मैंने और भी थे, सबको जितने का घर डूब डब गया सबको हम लोग भी हम अपना हाथ से खुद बांटे। अच्छा। हाँ, अपने सब मिलजुल के सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एडवोकेट शारिक अफजाल साहब भी मिलते हैं। मन आपका घर है और वहाँ से यहाँ तक की खबर आपको कैसे मिली और क्या आपके मन में था कि आज इस वक्त ये रिलीफ लेकर इसे इतने बैकवर्ड इलाके में अपनी पूरी टीम के साथ आप पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसी है कि दाऊद भाई के मार्फत हम लोगों को ये खबर मिली कि यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खाने पीने का सामान भी नहीं है, पूरा इलाका डूब गया है। तो हम लोगों ने फिर दाऊद भाई से कॉन्टैक्ट किया तो क्या करना चाहिए, तो दाऊद भाई ने हम लोगों से कहा कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में कमी है, आप लोग इसका इंतज़ाम कीजिए। तो हम लोग एसोसिएशन के ज़रिए हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके पानी है, खिचड़ा है, मास्क है, सब सारी चीज़ें लेकर के हम लोग यहाँ पर आएँ ताकि ये वेज है क्योंकि हर कौम के लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं, जो भी हैं यहाँ पे रहने वाले, तो इसी सबों के लिए हम लोगों ने ख़ास करके इंतज़ाम किया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर कौम के लोग हैं ताकि इसमें जो रहते हैं हम लोग प्योर वेज का ही इंतज़ाम करते हैं और करेंगे आइंदा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह की भी रिलीफ होगी हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। ये थे जनाब शारिक अफजाल साहब जो जी सर रिलीफ और राहतकारी का काम किया जा रहा है, उसके जनरल सेक्रेटरी है। आइए रिलीफ का काम आप तेज़ी से शुरू करें इसलिए कि वक्त काफ़ी होता जा रहा है कि हम यही रहते हैं। जी हाँ, क्या लगता है कि निकासी का मसला? निकासी का मतलब है ये कि देखिए कैसा पोजीशन में अभी पानी आया है, इससे भी ओवर पानी आ सकता है या इसलिए पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत दाव धूप करके थाना वगैरह में कंप्लेन करने के बाद पुलिस वगैरह आए, देख के गए, जाने के बाद उसके बाद वो मोटर वगैरह भे आए तो मोटर से पानी यहाँ का हल्का हुआ तो अभी लोग रह नहीं सकते। परमानेंट यहाँ पर कोई नाला या पानी के निकल? नहीं, परमानेंट कोई ऐसा कोई ऐसा। इस सिलसिले में आप लोगों ने बहुत 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 एमएलए वगैरह को कहा? बहुत कहा आपको इतने कब तेजुम नगर के अंदर में आदमी का तैयार जिसके आगे भी बाढ़ आया, समझ गए ना, बहुत परेशानी हुआ, ज्वार आ रहा है और उसके बाद भाद होने के बाद खाली हो जा रहा है। हम लोग के घर के अंदर में खुद आधा घर से भी ज़्यादा बढ़ जाता था। इलाकाई काउंसलर या एमएलए वगैरह आए थे जिस वक्त आपके पास? उनके लोग आए थे। अच्छा अच्छा, वो लोग आके उन्होंने उन लोगों को ये हालात दिखाए हम लोग को दिखाए हैं, अभी का पोजीशन में भी वो लोग देखे हैं। अच्छा, जितने ऑफिसर लोग भी आए थे सब देखो कह गए हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं इलाकाई लोगों की यही शिकायत है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से जब भी तेज़ बारिश होती है या कुछ इस तरह का मामलात आते हैं तो यहाँ पर इलाके में पानी पूरी तरह से दाखिल हो जाता है जिससे यहाँ के मकीनों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इन लोगों ने अपने इलाकाई काउंसलर और यहाँ के एमएलए से ये दरख्वास्त की है और मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द यहाँ की जो है निकासी का काम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के अगर हालात हों तो ये इस परेशानी से पूरे तौर पर अपने आप को बचा सकें। पानी लगा।
इसी इलाके से ताल्लुक है इनका, हमारे हैं इनका नाम मकामी एमएलए और कोऑर्डिनेटर काउंसिलर को चाहिए कि इस सिलसिले में आगे बढ़ें और कुछ काम करके इलाके के लोगों की तरक्की की तरफ, इलाके को तरक्की की तरफ ले जाएं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त गार्डन डेज सूरीनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम सहपहर 3 बजे से लेके अब तक तकरीबन 500 लोगों में खाने का पैकेट, मिनरल वाटर वगैरह की तकसीम करने के बाद इस वक्त ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे हैं और हमारे दरमियान पूरी टीम के मेंबरान यहां पर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस टीम के एक बहुत ही मोतबर शख्सियत ही इंसानियत है कि अगर आप वाला है तो अपने पड़ोस के लिए एक निवाला वक्त कर दें। हमारे दरमियान देख रही हैं कि ये खातून भी इस टीम में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके अंदर भी ये जज्बा है, बेदार है कि किस तरह से लोगों के जो पीड़ित लोग हैं, मुतासिर लोग हैं, उनकी मदद की जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे दरमियान खातून है जी, आपका नाम क्या है? अफशा तरन्नुम। अफशा तरन्नुम जी, आप किस मकसद के लिए आप लोग इस वक्त अपने घरों से आराम और बिस्तर इस्तराहत को छोड़कर आज इन गलियों में, टूटे फूटे रास्तों में फिर घूम रही हैं, फिर रही हैं, मकसद क्या है? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आई हूँ, सूरीनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और मेरा नाम असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ मैं, और मेरा नाम अफशा तरन्नुम है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ ज़्यादातर खाने की तकलीफ़ है और पानी की तकलीफ़ है, मेडिकल एड नहीं पहुंच रहा है जिससे लोग बहुत बीमार रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पानी भर जाता है, भरने के बाद कई कई रोज़ यहाँ भरा रह जाता है और पानी नहीं निकलता, जिसकी वजह से रास्ता पूरा डैमेज हो चुका है। हम लोग एक कदम नहीं चल सक रहे थे, बहुत तकलीफ़ से उन लोगों के घरों तक पहुँचा है। ये लोग रेगुलर किस तरह से ये फेस करते हैं देख के बहुत तकलीफ़ हुई है। पहली बार इस इलाके में आ रही, इससे पहले कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह से हम लोग मदद करें सबों के अपने ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। मगर अगर गवर्नमेंट को यहाँ देखना ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट यहाँ नहीं देखेगी तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ आगे बढ़े, यहाँ आए, इन लोगों की मदद करे, क्योंकि यहाँ के आवाम इतनी तकलीफ़ में है कि अगर गवर्नमेंट एक बार आके यहाँ देखे तो उनको पता चले कि उनके मानने वाले जो दीदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, जो दीदी को देख के वोट दे रहे हैं, जो दीदी के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर दीदी सुने और दीदी महसूस करे तो दीदी को यकीनन तकलीफ़ होगी और दीदी आगे बढ़ के मदद करेंगे। क्योंकि दीदी ने अब तक के जितने भी कैंडिडेट को भेजा है, कुछ ने काम किया है, कुछ ने काम नहीं किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि दीदी ये काम इंटरव्यू देखें और उन लोगों की मदद करें, जिस जरिया से भी हो, जिस कॉमन पीपल के ज़रिया हो, ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिया हो, या अपने कैंडिडेट के ज़रिया हो, किसी के भी ज़रिया हो, आए और आगे बढ़ के मदद करें। मेरी यही गुजारिश और यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ख़ास करके स्पेशली ममता दी से, जिनको नाम से ये पूरा बंगाल चल रहा है, और हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दीदी का। हमें यकीन है कि दीदी ज़रूर आएंगी, बस मेरी यही ख्वाहिश है। देखिए नाजरीन, देख रहे थे कि ये नाजरीन, ये थी मोहतरमा अफशा तरन्नुम साहिबा, एडवोकेट हैं और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। एज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्होंने पूरी टीम के साथ यहाँ पर आई और लोगों में राहतकारी, और इन्होंने दीदी से खासकर इस हाल हालेदार पर तवज्जो देने की कोशिश की।
यहाँ पे कुछ यहाँ का कोई चीज़ अगर नहीं आता है पौरस अगर कौंसिलर तो वोट भी नहीं आना चाहिए। दीदी का भरोसा हम इसलिए दिए कहा कि हम लोग दीदी को हमेशा ही चाहता है बोल के हम लोग दीदी का भरोसा में वोट दिए, उसका लेकर कोई टेंशन नहीं है। मेन बात है कि यहाँ का दीदी से हमको कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ कौंसिलर एमएलए सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बोलने जाते हैं ना तो हम लोग का बात सुन लेता है मगर वो काम करता नहीं, करता नहीं। यहाँ जो लोड देता है उसका बात सुनता कौंसलर नहीं, नोट का हम बारे में नहीं बता सकते हैं। और कौंसलर बोलता है एमएलए के पास जाओ, एमएलए बोलता है कौंसलर के पास जाओ, तो आखिर में हम लोग काम धंधा छोड़ के बच्चा छोड़ के घर संसार छोड़ के यही हम लोग करते रहे। कौन से वोट देने जब हम जाते हैं तो हम यहाँ का नागरिक है बोल के ना जा रहे हैं वोट देने, ऐसा तो नहीं ना कि हम यहाँ का नागरिक नहीं है बोल के वोट देने नहीं जा रहे। ये नागरिक है, वोट जिस तरह ये देती है सारी सहूलियात भी इनका हक है, जमहूरी इनका दस्तूरी हक है, जरूर इन्हें मिलना चाहिए। और ये अपनी आवाज़ हमारे सियासी तकदीर के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रही हैं। नाज़रीन आप नाज़रीन जैसा आपने देखा कि आज गार्डन ऑफ सूरीनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बागदीपाड़ा कंचनतल्ला अयूब नगर अकड़ा फाटक बस्ती इन तमाम इलाकों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत राहतकारी का काम किया गया और तमाम अराकीन ने दिलजमई के साथ अपना अपने काम को अंजाम दिया और सदर सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी के अलावा और भी अहम और एक्टिव मेंबरान ने भी अपनी राय मीडिया के सामने रखी, जिनमें मकबूल मोहम्मद मकबूल अंसारी, मास्टर अब्दुल रहीम, मास्टर मोहम्मद इरशाद वगैरह के नाम अहम हैं जिन्होंने अपने अपने तासुरात मीडिया के सामने रखे। और इस प्रोग्राम को आइंदा भी इसी तरह ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मदद के तौर पर आइंदा भी वो साबित कदम रहने का वादा किया। सत्यन हजरा बाबा। अच्छा, क्या परेशानी है आप? परेशानी सर में ऐसा ही हालत हो जाता जो बाबा बोला है, बहुत तकलीफ से रहता है बाबा, टूट जाता है पानी से। और यहाँ सब बाबा लोग मदद कर रहा है लेकिन आप लोग जो हो गया ठीक अच्छा से। बल्ला टूट गया, किसी का शायद पाँचिल भी गिर गया है, तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे एमएलए साहब से और कौंसलर साहब से कि ये सब आप लोग देखें थोड़ा सा।